कि हिंदू सौहृदा ना हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा धर्म रक्षा मम मंत्र समानता, इसी मंत्र और इसी देह को संकल्पित करने के लिए आज हम इस संकल्प में अग्रसर हुए जी। जो कि ये कहते हैं कि इस्लाम मीन्स पीस, भैया पीस कहाँ है, तुम गले दूसरी तरफ पीस है मानवता को, तुम पीस रहे तो कहाँ से पीस हो जाएगी। हिंदू जागा तो फिर आतंक भागा, सीधी बात है। हर चीज में विरोध करोगे, कोई भी अच्छा काम करो, मोदी बढ़िया काम करे उसी में विरोध, अग्निवीर हो गई उसमें विरोध, फलाना कर दो काम उसमें विरोध, इनको तो रसगुल्ले भी खिलाओ फिर भी ये कहो ना 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 ओ बस मुझे तो डायबिटीज हो गई। अरे यार दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। दिल्ली में जो आज मार्च निकाला गया, इसमें बूढ़े बुजुर्ग और उसी के साथ बच्चे महिलाएं सब पहुंचे। कुछ बच्चे यहां पर है, क्या नाम है भाई साहब? जी मेरा नाम चंदन रैना और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। चंदन रैना है जी, कश्मीरी है जी, मैं कश्मीरी पंडित हूँ और जम्मू कश्मीर से अपना ताल्लुक रखता हूँ। आज मार्च में शामिल हुए हैं आप भी? जी मैं मार्च में शामिल हुआ हूँ। मार्च में शामिल होने के कुछ अपने कारण हैं और सबसे बड़ा कारण यही है हमारा संकल्प, क्योंकि हम हिंदू हैं और इसी मंत्र पे विश्वास करते हैं कि हिंदू सौहृदा ना हिंदू पतितो भवेत, मम दीक्षा धर्म रक्षा मम मंत्र समानता, इसी मंत्र और इसी देह को संकल्पित करने के लिए आज हम इस संकल्प में अग्रसर हुए हैं जी। आप तो कश्मीरी हैं जी, कश्मीर में रहे हैं जी, या उससे पहले ही यहाँ पर आ गए? जी मैं विस्थापित हुआ हूँ उससे पहले का, मेरा मूलतः अब निवास जो है वो डोगरा स्थान जम्मू है और अब जो है मैं शिक्षार्थी हूँ जी। दिल्ली विश्वविद्यालय में? जी दिल्ली विश्वविद्यालय। जो आज माहौल है देश भर में, वही कश्मीर वाला माहौल दोबारा से बनाने की कोशिश की जा रही है जी। अलगाव सिर्फ वहाँ से 370 हटी तो पूरे देश में अलगाव बनाने की स्थिति जो है, ये जिहादी मानसिकता वाले जो लोग हैं, जो एक स्पेशल माइंडसेट लेके इस देश में अग्रसर हुए हैं, उनकी बनाने की रही है। और पीड़ित एक वर्ग ही क्यों, सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है। 1990 का हो और उसके बाद की भी जो घटना है, पीड़ित एक वर्ग ही क्यों होता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न रहा है। उसी को जवाब देने के लिए हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं जी। जिस तरह से कन्हैयालाल की गई, तालिबानी सोच के साथ की गई, जिहादी मानसिकता के साथ की गई, अब पूरे देश में ही वही मानसिकता, वही दहशत फैलाना चाहते हैं जैसा एक समय में कश्मीर में फैलाई थी, अब वही यहाँ पर फैला, तो युवा क्या सोचता है उस चीज़ को लेकर? सबसे बड़ी बात, हम जो है युवा जो है वो सबसे बड़ी बात ये करता है कि हम कानून और संविधान पर विश्वास करने वाले, हमारा सबसे बड़ी जुड़ने की ये नीति है, क्योंकि हम यहाँ आए हैं तो सबसे बड़ा ध्येय ये है कि शरीयत पे विश्वास ना करके संविधान पे विश्वास किया जाए, यही हमारा सबसे बड़ा ध्येय। और यही युवा सोचता है कि कानून और संविधान से ही देश चलता है जी। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं मुगलिया सोच से देश चले जी, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर एक पक्ष जो है वो समर्थन करता है तो भारत सेकुलर देश है, जिसको आप बताते हैं सेकुलर, तो आपको हर पक्ष को इसका समर्थन करना पड़ेगा और देश के कानून व्यवस्था पर विश्वास करना पड़ेगा जी। आपका क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम महेश शर्मा। कहाँ से आए आप? मैं यहीं का हूँ। ये जो आज मार्च निकला है, इसके बाद क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये है कि शांति का संदेश जाएगा, शांति के लिए किया है ये, कोई को थोड़ी किया है, तो ये देखा है कि भाई शांति से रहो, वसुधैव कुटुंबकम का विचार है उसको पालन करो, से कौन सा पेट भर जाएगा किसका भरा है। अब तक कितने दिल्ली 7 बार बर्बाद कर दी नादिर शाह वगैरह ने, और दिल्ली में फिर भी ये भीड़ भड़का खूब हो रहा है, से बात नहीं बनती, प्रेम प्यार से बात बनती है, और ये शांति का ही संदेश दे रहे हैं, न कि हाथ में ये वो बन रहे। इसलिए इसका पूरे जुलूस का मतलब है आप शांति, जो कि ये कहते हैं कि इस्लाम मीन्स पीस, भैया पीस कहाँ है, तुम गले दूसरी तरफ पीस है मानवता को, तुम पीस रहे तो कहाँ से पीस हो जाएगी। ये तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के अंतर्गत ये चल रहे हैं, किसी की दुश्मनी नहीं है किसी मुसलमान से नहीं है, लेकिन ये मुसलमान जो मुल्ला मौलवी हैं चिश्ती वगैरह, अब तो चिश्ती भी सामने आ गए, वैसे सूफी कहते हैं अपने को, लंबा चौड़ा भाषण दे करके सिर करते हैं क्या है ये सब, उनको शांति का संदेश देना चाहिए हर जगह से, ये है हमारा। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं मुगलिया सोच देश में, तालिबान मुगलिया, देखो मुगल बर्बाद हो गए, मुगल भीख मांग रहे हैं आज, अब मुगलों का क्या करोगे, वो गए शहंशाह आलम, वो जमाने गए, आज यहाँ डेमोक्रेसी है, सल्तनत गई, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, संविधान के अनुसार चलो, शांति से रहो तो उसमें सबका कल्याण है, नहीं तो हिंदू वही बात कि हिंदू जागा तो फिर आतंक भागा, सीधी बात है। ओवैसी जैसे लोग मुगलों का समर्थन, देखो भैया ओवैसी तो मुझे लगता है मीडिया के ओवैसी का जो घर है नहीं, हर चैनल वाले की बगल में ये घर बना रखा है,
कोई बात होगी, किसी को छींक भी होगी, वो वैसे ही आ जाता है टोपी लगा करके। वो वैसे ही कितना नॉलेज वाला है। हर चीज़ में विरोध करना ये भी राक्षसता का प्रतीक है। हर चीज़ में विरोध करोगे, कोई भी अच्छा काम करो, मोदी बढ़िया काम करे, उसी में विरोध। अग्निवीर हो गई उसमें विरोध, फलाना कर दो काम उसमें विरोध। इनको तो रसगुल्ले भी खिलाओ फिर भी ये कहो ना 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 ओबेसी, मुझे तो डायबिटीज हो गई। अरे यार भैया ओबेसी हैं, कम से कम बासी रोटी मत खाओ, ताज़ा रोटी खाओ। ओबेसी को बता देना भारत माता की जय।